नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया है, लेकिन अब केवल कंटेनमेंट वाले इलाकों यानी जहां संक्रमित ज्यादा हैं वहीं पर पाबंदियां रहेंगी। बाकी जगहों पर जो गतिविधियां कामकाज बंद थे वो खोल दिए जाएंगे। सरकार ने इसे अनलॉक वन कहा है, यानी लॉकडाउन खुलने की तरफ पहला कदम। अनलॉक वन के बारे में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 फेज में एक एक करके सारी गतिविधियों को पहले की तरह खोला जाएगा। डिटेल्स हम पहले भी आपको ललन टॉप पर बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अनलॉक एक से जुड़े आपके 15 सवालों का जवाब देंगे जो आप लोगों ने हमसे सोशल मीडिया के जरिए पूछे हैं। हमारे साथी शक्ति इनके जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल, अभी क्या क्या खुलेगा? सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है। अब दुकान चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो या आवासीय इलाके में, सब खोली जा सकती है। केवल कंटेनमेंट जोन वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की मंजूरी दे दी है। इनके अलावा धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी खुल सकेंगे। दूसरा सवाल, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना पास के जा सकते हैं? केंद्र सरकार के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में और राज्य के भीतर व्यक्तियों, सामानों के मूवमेंट में कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन अप्रूवल यानी ई परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इस बारे में राज्य अपने हालात के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। जैसे नोएडा या गाज़ियाबाद से दिल्ली की बॉर्डर सील है, यहाँ केवल ज़रूरी काम वाले लोग ही जा सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली ने भी अपना बॉर्डर सील कर रखा है। तीसरा सवाल, कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए क्या नियम है? यहाँ पर ज़रूरी सुविधाओं जैसे राशन, दूध, दवा के लिए ही बाहर निकलने की परमिशन रहेगी। इसके अलावा किसी को बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कंटेनमेंट में सख्ती का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा सख्ती इन्हीं इलाकों में होगी। चौथा सवाल, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर क्वारंटीन किया जाएगा? जी, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को घरों में ही क्वारंटीन किया जा रहा है। घर पर क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं होने पर सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। अगर आप 1-2 दिन के लिए ही वहां जा रहे हैं तब आपको इस बारे में संबंधित प्रशासन को बताना होगा। पांचवा सवाल, क्या सभी ऑफिस खोले जा सकते हैं? हाँ, अब सभी ऑफिस खोले जा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाना ही बेहतर रहेगा। छठा सवाल, क्या कैब्स चल रही हैं? इनमें एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं, साथ ही अपनी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? कैब चल रही हैं, इसमें अभी ड्राइवर के अलावा 2 और लोगों के बैठने की ही अनुमति है। निजी कार में अधिकतम 3 लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं 2-व्हीलर पर अकेले ही जा सकते हैं, लेकिन अगर पुरुष ड्राइव कर रहा है और साथ में महिला है तो 2 लोग जा सकते हैं। सातवां सवाल, अगर किसी काम से घर से बाहर जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? बाहर जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी होनी चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ को ना छुएं जो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आती हो। मुंह और नाक पर हाथ ना लगाएं। आठवां सवाल, शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? कोई कह रहा है कि लड़का और लड़की दोनों की ओर से 50-50 लोग आ सकते हैं, और शादी के लिए क्या दोनों पक्षों को परमिशन लेनी होगी? शादी में केवल 50 लोग आ सकते हैं। ये 50 लोग दोनों पक्षों की ओर से मिलाकर होंगे, अलग अलग नहीं। यानी लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर भी 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जहाँ तक परमिशन की बात है तो दोनों में से कोई भी परमिशन ले सकता है। नौवां सवाल, क्या कहीं घूमने जा सकते हैं? इस पर राज्यों के हिसाब से अलग अलग नियम है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पर म्यूजियम वगैरह खोल दिए हैं, वहीं कई राज्यों में पाबंदी है। साथ ही होटल वगैरह भी 8 जून के बाद ही खोले जाएंगे। वैसे सलाह है कि अभी बाहर घूमने जाने से बचा जाए। दसवां सवाल, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि दूसरे फेज यानी जुलाई में इन्हें खोलने पर फैसला होगा। स्कूल कॉलेज खोलने से पहले सरकार बच्चों के माता पिता, स्कूल कॉलेज संचालकों और अध्यापकों से भी बात करेगी। 11वां सवाल, क्या सभी ट्रेन चलने लगेंगी? रेलवे ने केवल 200 ट्रेनों को चलाने का ही फैसला किया है। इनमें केवल रिजर्वेशन या RAC के जरिए ही सफर हो सकता है। इनके अलावा बाकी ट्रेनों को लेकर रेलवे हालात के हिसाब से ही फैसला करेगा। 12वां सवाल, बाहर निकलने का समय क्या होगा?
1 जून से घर के बाहर निकलने को लेकर ढील दी गई है। इसके तहत अब से केवल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ही बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। पहले अब पाबंदी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक की थी। 13वां सवाल, जो परीक्षाएं रह गई थी वो क्या फिर से शुरू होंगी? हाँ, बोर्ड और कॉलेज की जो परीक्षाएं बची थी वो अब कराई जाएंगी। CBSE इस बारे में टाइम टेबल जारी कर चुका है, उसकी परीक्षाएं जुलाई में शुरू हो रही हैं। वहीं कॉलेजों की परीक्षाएं संबंधित यूनिवर्सिटी कराएगी, ऐसे में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ध्यान रखना जरूरी है। 14वां सवाल, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए क्या पास चाहिए होगा? नहीं, राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास नहीं चाहिए। आप चाहें तो निजी वाहन या फिर सरकारी साधन के जरिए यात्रा कर सकते हैं। 15वां सवाल, क्या प्राइवेट लाइब्रेरीज खुलेंगी? स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। नहीं, अभी सरकार ने एक जगह बहुत से लोगों के इकट्ठे होने वाले कार्यक्रमों या स्थानों पर पाबंदी लगा रखी है। ये सारे सवाल आपने हमसे पूछे थे सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक और ट्विटर के जरिए। इनके जवाब आपके लिए लेकर आए थे शक्ति। मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। शुक्रिया।